दीवान सैलन सिंह के लिए जनसंपर्क के लिए आए। ये लोकसभा चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप कांग्रेस को लेकर? लोकसभा चुनाव बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सी सीटें इस बार कांग्रेस के पक्ष में आ रही हैं। एक जनता ने मन बना लिया है और उनके जो सांसद हैं वर्तमान में अभी, उन लोगों के प्रति जनता में आक्रोश है। लोगों के बीच में नहीं जाना आना, लोगों के काम नहीं करना, एक इस प्रकार से कि सांसद ने अपनी कोई जिम्मेदारी किसी क्षेत्र में अंकित नहीं कराई अपनी, इस वजह से लोगों में नाराजगी बहुत। विधानसभा में जिला होशंगाबाद में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी, इस बार लोकसभा चुनाव में कोई विशेष? वो एक अलग कारण रहा होगा यहाँ का विधानसभा चुनाव के समय का, लेकिन आज का वातावरण हम देख रहे हैं, अभी सारे लोग काफी ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में। जो माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के 2 लाख के कर्जे माफ किए हैं, पेंशन जो 300 थी बढ़ा के 600 कर दी है, किसानों के बिजली के बिल आधे कर दिए हैं, कन्यादान योजना में जो 25,000 की राशि थी बढ़ा के 51,000 सीधे हितग्राही के खाते में जाएगी, लड़की की शादी बिटिया की होगी उसके खाते में जाएगी, इसका किसानों में बड़ा संतोष है। और किसानों को पहली बार ऐसी राहत मिली है कि एक बड़ी राहत 2 लाख रुपए की एक बड़ी राहत किसान को होती है, बिजली का बिल आधा हो जाए उससे बड़ा फजूल बोझ कम होता है उसका। किसान अभी भी कहते हैं कि जो भाजपा सरकार में जब बिजली मिल रही थी, आज बिजली नहीं मिल रही, बिजली को लेकर फिर परेशान हो रहे हैं। कुछ मौसम की गड़बड़ी और कुछ जिनने थोड़ी बहुत गड़बड़ी की थी उनको हटाया गया है। बिजली में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं, बिजली में अच्छी बिजली मिलेगी, उनके समय से और अच्छी बिजली मिलने वाली। सूत्र बताते हैं लोकसभा टिकट में थोड़ी सी गलती हो गई, अगर किसी और कैंडिडेट को दिया जाता तो वो शायद दमदार कैंडिडेट होता, जो कांग्रेस ने वर्तमान कैंडिडेट द्वारा है उसका ज्यादा प्रभाव नहीं है क्षेत्र में। अब वो तो क्या है कि एक आदमी की संतुष्टि का विषय है, हर आदमी के लिए हर आदमी अच्छा नहीं लगता। शादी के होने के बाद भी लगता है कि दूसरी जगह हो जाए तो और अच्छी होती, आदमी का मन है उससे नहीं है। कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, नया कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहा है, एक अच्छा कांग्रेस परिवार से, वो पहले से उनके पिताजी मध्यप्रदेश सरकार मंत्री थे, सारे लोग जानते हैं, एक बढ़िया व्यक्ति साफ सुथरी छवि का यहाँ पर लोकसभा में कांग्रेस में उतारा है, सारे लोग साथ में उनके। हाई प्रोफाइल जी भोपाल के बारे में क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, वो कोई करण कर ले, जब आदमी का समय अच्छा होता है तो जो करता है वो होता है, इनका समय बुरा है। अच्छी लाइन से चले भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई कोई थोड़ी बहुत हार का अंतर कम हो जाएगा, ज्यादा ध्रुवीकरण करेंगे बहुत लंबे गड्ढे में जाएंगे। जो राव दत्ता सिंह से आप काफी समय से जुड़े रहे हैं, पहले विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं कि कितनी चुनौती कांग्रेस को उनसे मिल रही है? चुनाव तो चुनौती होता है, लेकिन चुनौती का सामना हम कैसे कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। हम लोग भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं लगातार, उनसे चुनाव हुआ उसके बाद उनके साथ में रह के उनके चुनाव उसमें भी काम किया, दोनों पक्ष हमने देखे हैं, तो हम लोग अपनी तैयारी चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनौती तो बड़ी है, बड़ी जीत थी उनकी, लेकिन अब इस समय सरकार हमारी है, लोग हमारे साथ में है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी पे जनता का भरोसा है और उनको लोग जानते हैं, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। एक पहला नेता मध्य प्रदेश में है जिनकी छवि एक बेदाग बेबाक नेता की है, कि कमलनाथ जी ने अगर वैसे ही कुछ कहते तो वो काम होगा, वो पिछले मुख्यमंत्री जी की छवि थी कि जो कहेंगे वो कभी नहीं होगा, सांसद लेकिन करना कुछ नहीं है, बहुत आदमी देखता है तराशता है फिर वोट देखता है। भाजपा द्वारा अक्सर कहा जाता रहा है सुरेंद्र सिंह जी को लेकर कि कमजोर प्रत्याशी है, आपको क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर कहे ही कहेगी, हम कह रहे हैं हमारे केंद्र मजबूत है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो सारे समीकरण है कि नरसिंहपुर जिले की जिसमें आखिरी विधानसभा सीट भी है, कांग्रेस के कब्जे में 3 सीटें हैं, इसके बढ़त के अलावा और कांग्रेस की क्या बढ़त आपको लगती है कि लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगी? पहला चुनाव था लोकसभा का उदय प्रताप जी का, उस समय एक ही विधानसभा जीते बाकी सब जगह से हारे थे, तो हर जीत का अंतर डिपेंड करता है। बाकी नरसिंहपुर जिले से 3 सीटें हैं, तीनों जीत के आ रही है, रायसेन की एक और जीत के आ रहे हैं, आज सुनी मालवा होशंगाबाद सुहागपुर की कोई भारी बड़ा अंतर नहीं है, यहाँ भी जनता का मन है वर्तमान सरकार के साथ, जिन मुख्यमंत्री ने हमें हमारे पक्ष में नीतियाँ बना रहे हैं उनके साथ लोग रहेंगे, वो जनता मन बना चुकी है। विधानसभा थोड़ी भ्रमित हो गई थी लेकिन अब उनका मन
और क्लियर हो गया कि कांग्रेस भी वोट देना। कांग्रेस से इसके पहले एक बार लोकसभा की सीट जीती थी, लेकिन उसमें भी होशंगाबाद जिले से कांग्रेस हटे में रही थी। इस बार आपको क्या लगता है कि नसीपुर जिला तो पिछली बार भी बढ़त में था, होशंगाबाद जिला की क्या स्थिति रही? वो समय और था इसमें और आज होशंगाबाद जिले के कार्यकर्ता नेता सारे लोग सांसद से दुखी हैं। सांसद के ही कारण बिखराव हुआ था। माननीय सरताज बाबू आपकी सीट से विधायक थे, मंत्री थे, उनको मंत्री पद से हटवाया गया, पार्टी उन्हें छोड़नी पड़ी, उन्हें दूसरी पार्टी अगली कांग्रेस से चुनाव। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं सांसद जी के कामों से, इसलिए यहाँ पर लोगों का बड़ा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। भाजपा के कुछ लोग भी आपके संपर्क में, जो चुनावी समय में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं? इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये चुनाव का मामला जिनसे विधानसभा उनको हम जुड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया वक्त है बदलाव का, लेकिन अब इस समय होशंगाबाद जिले का किसान कह रहा है वक्त है बदले का। वक्त है बदले का, वक्त है बदलाव का, लोगों ने मन बना लिया है कि इनके साथ नहीं रहना है। वर्तमान लोगों के साथ में व्यक्ति ठीक नहीं है, इनका काम ठीक नहीं है, इनकी 5 साल की और 10 साल की हम कहें तो कोई उपलब्धि नहीं है। लोकसभा क्षेत्र में सांसद केवल राज्य सरकार के दूसरे कोई काम गिनाते रहे उससे नहीं होता। आज हमारे राहुल गांधी जी ने घोषणा कर दी है कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, बीपीएल के परिवार को 72,000 रुपये हर परिवार को हर साल हम देंगे, पहली से लेकर 12वीं तक की काय निःशुल्क करवाएंगे। तो सबको मालूम है कि कांग्रेस जब इतना तोला का कर्जा माफ कर दिया, कन्यादान योजना की राशि बढ़ा के डबल कर दी, पेंशन जो हमने कहा था वो बढ़ा के डबल कर दी, बिजली के बिल आधे कर दिए, तो 72,000 बीपीएल के परिवारों को सबको मिलेंगे और एक बहुत बड़ी राहत गरीब आदमी को होगी कि उसके परिवार में महिला के नाम से 72,000 जाएंगे। प्रति माह 6,000 होते हैं, 6,000 बेचारा मजदूरी करके आता तो उसको नहीं मिलते हैं। एक वास्तव में पुण्य का काम है और देश में रहने वाले उन वर्ग के लिए जो एक हमसे बहुत अंतर है, बहुत नीचे है, उनको समानता में रहने के राहुल गांधी जी ने किया है, इससे लोगों में बड़ा खुशी का वातावरण है। लोकसभा चुनाव में कर्ज माफी एक बड़ा प्लस फैक्टर हुआ था कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी गेहूं खरीदी में देखा जाए तो किसान काफी परेशान हो रहा है, उपार्जन को लेकर कई सारी समस्याएं हो रही हैं, ज्ञापन हो रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि किसान का उत्पादन जहाँ अच्छा हुआ है ईश्वर की कृपा है, आचार संहिता के कारण थोड़ी कहीं अनियमितता हो रही थी तो उसमें भी हम लोग सुधार करवा रहे हैं। जहाँ से गड़बड़ी की शिकायत आती है वहाँ सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं, जो गाँव अगर डिस्टर्ब हो गए होंगे तो उनको सुधार करके उनको, और हर किसान का गेहूं खरीद की जाएगी, चाहे हमें समय बढ़ाना पड़े चाहे सेंटर बढ़ाना पड़े। शासन के आदेश के बाद भी तो बैंक के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है किसानों के वसूली के लिए, तो भ्रमित करने के लिए कोई लोग भिजवा रहे होंगे, बाकी ऐसा कहीं नहीं, सरकार के आदेश हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर भी दिया है, बहुत कुछ किसानों की हमारे यहाँ सूची पहुंच गई हर बैंक की, इनके माफ होंगे। बाकी 30 तारीख के बाद जिनके रह गए उनके सारे 2 लाख तक के कर्जे रनिंग के थे वो भी सरकार दे रही है। पिछले दिनों इटासी में किसान ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को फोन लगाया था और उसके बाद किसान की गिरफ्तारी हुई थी, इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, इसके बारे में जानकारी?